आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने ब्लॉगर में ऐसे करके जो फॉलो बटन्स या फिर जो भी कोई आप लिंक वाले बटन्स बनाना चाहते हैं उसको कैसे राउंड कॉर्नर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिख रहा है आपको फॉलो बटन को मैंने क्या किया है, राउंड कॉर्नर बनाया है। तो सिंपली क्या होता है कि ब्लॉगर में जो जनरली जो ब्लॉगर यूज़ करते हैं उनको क्या है कि उतना नॉलेज नहीं होता है HTML का, तो वो नहीं बना पाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे सुंदर से दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए आप इसे राउंड कॉर्नर बटन बना सकते हैं अपने ब्लॉगर के लिए। आप नीचे भी देख सकते हैं कि नीचे भी ऐसे राउंड कॉर्नर करके मैंने एक मोर क्वेश्चंस का एक बटन बनाया है। तो आप कैसे इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और आप ज़रूर जान जाएंगे कि कैसे सिंपल स्टेप्स में ही आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसे बना सकते हैं राउंड कॉर्नर बटन्स को। तो मैं एक नया पोस्ट आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली आपको HTML से ही मतलब है कि किस तरह के HTML से या फिर क्या कोडिंग होता है एक उसके लिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो बटन बनाना है उस बटन का नाम लिखना है, ठीक है। तो मैं मान लीजिए फॉलो आस का बटन ही बना रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉलो आस लिख दे रहा हूँ। और अभी क्या है कि इसको सेंट्रलाइज कर लेता हूँ क्योंकि सेंटर में रहेगा, तो ये सेंटर में कर लिया। इसके साइज़ को मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो इसको मैं बड़ा भी यहाँ से कर दिया, ठीक है। अभी इसको सबसे बड़ा बात है क्या है कि इसका हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर में जाके जो मन आपका है वो कर ले। जनरली फॉलो बटन ब्लू कलर का होता है, तो फॉलो बटन के लिए मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये राउंड कॉर्नर नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर का टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि वो ब्लैक है, अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। तो अब दिख रहा है कि नॉर्मली आप ऐसा ही बटन क्रिएट कर सकते हैं अपने ब्लॉगर के अंदर, यानी कि ऐसा ही दिखेगा। मैं तो आपको राउंड कॉर्नर की बात बोला हूँ, तो यहाँ पर राउंड कॉर्नर करने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, यहाँ से एडिट के ऑप्शन में जाके HTML व्यू में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ये बैकग्राउंड कलर जो दिख रहा है इसके जस्ट बाद यहाँ पे या फिर कोई भी सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में, स्टाइल सेक्शन में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बॉर्डर BORDER बॉर्डर डैश रेडियस RADIUS बॉर्डर रेडियस। उसके बाद आपको सेमी कॉलन का देना है। उसके बाद आपको वहाँ पे एक नम साइज मतलब रेडियस का साइज़ को आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जनरली 25 px पे क्या होता है कॉर्नर्स राउंड हो जाते हैं। उसके बाद आपको एक सेमी कॉलन देना है, ठीक है। पहले कॉलन देना था फिर सेमी कॉलन देना था। इस तरह से वापस मैं आपको दिखाता हूँ कि ये राउंड कॉर्नर हो गया होगा। तो मैं कंपोज व्यू में जाता हूँ वापस से, और यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, शायद कुछ गलती हुआ है और बॉर्डर का स्पेलिंग गलत हो गया है। तो यहाँ पे BOR होना चाहिए था, अभी स्पेलिंग सही है, तो आपको भी सही से लिखना है। तो मैंने यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि ये बटन राउंड कॉर्नर हो गया, तो थोड़ा सा गैप कम लगा है, तो मैं इधर से एक स्पेस दे देता हूँ और एक इधर से भी एक स्पेस दे देता हूँ। तो ये कोडिंग हो गया आपका राउंड बटन के लिए। तो आपको जहाँ भी ये बटन क्रिएट करना है बस आपको ये सारे के सारे कोड को कॉपी करना है और जिस जगह पे आपको प्लेस करना है कोई भी पोस्ट के अंदर उस जगह में आपको सिंपली उस पोस्ट में जाके इसे प्लेस कर देना है।